पीथमपुर थाना सेक्टर एक क्षेत्र की पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पीथमपुर थाना सेक्टर एक पुलिस द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल और थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई एवं अपराधियों को पकड़ा गया। मामला यह है कि पीथमपुर थाना सेक्टर एक औद्योगिक क्षेत्र में 28 मई को फरियादी नरेश वर्मा द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके साथ किसी महिला के द्वारा शादी करके लूट की गई एवं महिला उसके 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई, जिसमें उसके दो साथी राजू शंकरलाल कैलाश नारायण वर्मा उर्फ कैलाश शर्मा, महिला ज्योति शंकरलाल सांकला को गिरफ्तार कर लूटी गई धनराशि को जब्त कर लिया गया है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। लोधी मोहल्ला पीथमपुर के दिव्यांग श्री नरेश जी विगत दिनों जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह से अपना फरियाद किया था कि उसके साथ एक महिला शादी का बहाना देके 2 दिन रही और उसके बाद उसके 2 लाख रुपए लेके चली गई। पुलिस अधीक्षक घाट ने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना करने के निर्देश थाना प्रभारी सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया को दिया था और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद जो ये प्रकाश में आया कि एक कैलाश और शंकर जो उज्जैन के रहने वाले हैं, इन्होंने एक लड़की से को दुल्हन बनाकर 2 लाख रुपए नरेश से ऐट लिए और दुल्हन एक दिन बाद नरेश को छोड़ के चली गई। एक दिन बाद दिव्यांग के साथ इस प्रकार की घटना को गंभीरता से लिया गया और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और भी इसमें आरोपी गैंग, पूरी गैंग है ये और इस गैंग में और भी आरोपी पाए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।